उन्नाव में अग्निपथ स्कीम के विरोध में लगातार प्रदर्शन के बाद उन्नाव पुलिस और प्रशासन आज भी अलर्ट पर है। एक तरफ जिलाधिकारी लगातार मीटिंग कर लोगों को अग्निपथ स्कीम के फायदे बताने में जुटे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन लगातार संवेदनशील स्थानों पर अपनी नज़र जमाए हुए हैं। इसी कड़ी में आज उन्नाव रेलवे स्टेशन पर RPF और GRP ने पैदल मार्च किया। उन्नाव रेलवे स्टेशन पर सुबह से ही पुलिसकर्मी पैदल मार्च कर रहे हैं। दरअसल सरकार से नाराज नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सबसे ज़्यादा रेलवे को ही नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते आज सुबह से ही RPF और GRP भी सख्ती के साथ स्टेशनों पर चेकिंग कर रही है और आने जाने वालों पर निगाह रख रही है। तो वहीं अब जिला प्रशासन ने इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रदर्शन कर रहे लोगों को इस योजना की जानकारी देने की प्लानिंग की है। वहीं DM रविंद्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लाई गई है, यह अत्यंत लाभकारी योजना है। इसमें केवल लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए लोग इसके कंफ्यूजन में विरोध प्रदर्शन के जरिए अव्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आगे कहा कि हम लगातार अपने जनपद के बच्चों को समझा रहे हैं और इस योजना के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।